हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के 3rd चैप्टर के एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है, अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20 एंड वॉन्ट्स टू हैव राइड्स ऑन द जैंट व्हील एंड प्ले हुपा हुपला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब इसमें सेक्शन 3.1 को कंसिडर करने के लिए बोला गया है। तो इसमें लिखा हुआ है, शी प्लेड हुपला इन हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो सपोज उसने जाइंट व्हील पे एक्स नंबर ऑफ राइड्स किए हैं, ये एग्जाम्पल वन है आपका। जाइंट व्हील पे अगर उसने एक्स बार राइड की है तो हुपला पे वाई टाइम्स किया है, तो एक्स क्या आ गया 1/2 ऑफ वाई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो हाफ ऑफ वाई है। ये एग्जाम्पल जो सेक्शन 3.1 है, ये जो आपका चैप्टर 3rd है उसकी एकदम इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में गिवन है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। तो जो राइड के एक राइड के पैसे ₹3 हैं और जो गेम है हुपला का उसके पैसे ₹4 हैं। तो 3x + 4y = 20, क्योंकि इसमें लिखा है कि उसके पास टोटल ₹20 हैं और जो ये हुपला जितनी बार भी प्ले करती है वो हाफ द नंबर ऑफ राइड्स है, तो ये 1/2 यहाँ पर आएगा। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, y = 2y = x, x - 2y = 0। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आपको इन दो इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले आपको इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे, देखिए एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे, x और y, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की 20/3 आएगी। तो ये वैल्यू जो है ये ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब आपको ये जो मैं आपको ग्राफ बता रही हूँ ये आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, और जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश, तो ये 1 और ये 2। देखिए एक तो 0.00 पे है, एक क्या है एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू है 1, ये पॉइंट है हमारा। एक है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, y को थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम 4 और ये 5, तो ये पॉइंट हो गया एक हमारा, x की वैल्यू 0 और y की 5। और एक है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, ये तो देखिए ये एक इक्वेशन, ये एक लाइन बन गई ना इस इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन के लिए हम अलग से लाएंगे, ये पॉइंट हो गया और 4 और 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू। आप अगर इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x - 2y = 0 की, और ये है 3x + 4y = 20 की। आप देखेंगे कि जो ये दोनों लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आ रहे हैं कुछ पॉइंट इधर, तो ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना है इसलिए नहीं आ रहा, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा 4 पे, और 2 पे ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमारी इंटरसेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब यही वाला पॉइंट होगा, ये 4 और 2 मैंने यहाँ पर बनाया है ना, तो ये यही वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्योंकि ग्राफिकल हमें इसको बस यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, जो हमने कर दिया। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। तो आप मान लीजिए ये सेकेंड एग्जाम्पल है,
कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इक्वल टू रुपीज वाई। तो उसने दो पेंसिल और तीन इरेजर परचेज करी है 9 रुपीज में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी बॉट 4 पेंसिल्स मीन्स 4x प्लस एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने एल्जेब्रिकली तो यहाँ पर दिखा दिया ये जो ग्राफ है ये इक्वेशन में लिख के, अब ग्राफिकली हम दिखाएंगे तो आप कैसे करेंगे, वही आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अगर आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की 4.5। नेक्स्ट इक्वेशन में करेंगे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई 3, और अगर वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स आएगा आपका, अब एक्स का जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, 18/4 करना पड़ेगा। तो अब वाई की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप फिर वो ऐसे ही सेम करना है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। 1 2 3 यहाँ पर भी ये नेगेटिव वाले टर्म्स आप लिख लीजिएगा, 0 और 3। तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है, वाई एक्सिस पे ही हो गया, और 0 और 4.5 ये लेना है। तो आप इन दोनों लाइंस को ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। अब 0 और 3 मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 3, तो ये सेम पॉइंट है हमारा, और एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 1, तो ये भी इसी लाइन पे आएगा। दैट मीन्स ये जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं। तो जो ये हमारी 2x + 3y + = 9 वाली लाइन भी यही है, और 4x + 6y = 18 वाली लाइन भी यही है, इसके पॉइंट्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इसमें ऑलरेडी हमें इक्वेशन गिवन है x + 2y - 4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। तो अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ भी बना के देखेंगे, देख लीजिएगा खुद से, चलिए मैं आपको बना के बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था एग्जाम्पल में, जो लास्ट एग्जाम्पल था वो इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल था, ये कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे अगर हम इसमें, तो अगर हम वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 2 आएगी। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6। तो चलिए अब हम इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश 1 2 3 ये नेगेटिव वाले टर्म्स आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट है 0 और 2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 2, ये पॉइंट आ गया, और सेकंड है एक्स की 4 और वाई की 0। आप इन पॉइंट्स को देखिए मिलाइए, ये लाइन आ गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। अब आप देखेंगे 0 और एक्स की वैल्यू है हमारी, वाई की वैल्यू है 3 और एक्स है 0, ये पॉइंट, और एक है ये पॉइंट। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो है ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है,
जो लाइन बनाई है आपको उस इक्वेशन पे वो लाइन लिखनी भी है, ठीक है, मतलब उस लाइन पे वो इक्वेशन लिखनी है। जैसे ये वाली लाइन है वो इस इक्वेशन के लिए है, और इस लाइन के लिए ये वाली इक्वेशन थी आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके आज के लिए बस इतना ही, आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारा जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पर जाके भी अपने जो व्यूज़ हैं या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।